हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ हेयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो अब हमारा चैप्टर चल रहा था डीप वाटर ठीक है इसका जो पार्ट वन है वो हमने कहाँ फिनिश किया था एंड दी कर्टन ऑफ लाइफ फेल ठीक है मतलब लाइफ का एंड तो क्या लाइफ का एंड हुआ था हुआ था तो क्या हुआ नहीं हुआ था तो क्या हुआ वो जानेंगे हम अब इस पार्ट में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दी ऑथर वॉज सेव्ड ऑथर को बचा लिया गया था ठीक है उनको क्या लग रहा था कि बस अब अब तो मैं गया अब तो मैं मर गया और उनके हिसाब से वो क्या हुआ था अबलीवियन में भी चले गए थे है ना ऑब्लिविय स्टेट ऐसी स्टेट जहा पे उन्हें कुछ पता ही नहीं उनके आसपास क्या हो रहा है उनके माइंड में बिल्कुल ब्लैकनेस आ गई थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ ऑथर वॉज सेव्ड ऑथर को बचा लिया गया था तो जानते हैं क्या हुआ था द नेक्स्ट थिंग द ऑथर रिमेम्बर्ड वॉज लाइंग ऑन हिस्टाम पूल वॉमिटिंग The 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 chap that threw him him in was was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right. Now let's carry him to the locker room. तो next thing author को याद थी author को नहीं याद उन्हें कैसे बचाया गया क्या हुआ बस जब उन्होंने खुद को वापस से अपने senses में पाया होशो में पाया तो उन्हें next ने thing क्या याद है कि वो अपने पेट के बल लेटे हुए थे लाइंग लेटे हुए थे ठीक है बिसाइड द पूल के पास वॉमिटिंग क्या कर रहे थे वॉमिट कर रहे थे उल्टी कर रहे थे जो चैप था चैप किसके यूज कर रहे हैं हम यहाँ वर्ड उस बॉय के लिए ठीक है वो क्या रहा है कि मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था आई वॉज जस्ट फूलिंग तो कोई क्या कहता है कि वो बच्चा मरने वाला था ठीक है बट ठीक है अभी ठीक है उसको लॉकर रूम की तरफ लेके चलो क्लियर है अब क्या हुआ कि वो जो मिस एडवेंचर हुआ वो जो दुर्घटना हुई उसकी वजह से ऑथर को बहुत परेशानियां होने लगी तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होने लगी वो देखते हैं ठीक है प्रॉब्लम्स ही फेस्ड आफ्टर दैट मिस एडवेंचर सेवरल आवर्स लेटर ही वर्क होम ही वाज वीक एंड ट्रेवलिंग ही क्राइड एंड कुड ईट दैट नाइट फॉर डेज आर हॉन्टिंग फियर वॉज देयर इन इज आईज द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट्स हिम knees हुई उसके बाद बहुत टाइम के बाद ठीक है कुछ घंटों के बाद वो अपने घर आए ठीक है बहुत ज्यादा वीक थे और ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग मतलब लड़खड़ाना ठीक है बहुत ज्यादा लड़खड़ाते हुए एकदम कमजोर से अपने घर की तरफ आए उस रात ना तो वो ढंग से सो पाए ना वो कुछ ढंग से खा पाए ठीक है फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज देयर इन हार्ट कई दिनों तक एक हॉन्टिंग हॉन्ट करना किसी को ठीक है डराना एक डरावना ठीक है तो उनके दिमाग में उनके दिल में एक डर बैठ गया था जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था हॉन्टिंग फियर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था ऐसा डर स्लाइटेस्ट हिम कोई थोड़ा सा भी एक्सर्शन होना थोड़ा सा भी तनाव होना उन्हें परेशान कर रहा था मेकिंग हिम वॉबली वॉबली का मीनिंग होता है डगमगाना इन नीज एंड सिक्ट स्टोम उनको वापस ही वॉमिटिंग और ऐसा वाला चीजें फील होने लग जाती थी उसके बाद वो दोबारा कभी पूल नहीं गए

ठीक है अब काफी सालों बाद ठीक है ऑथर बड़े हो गए थे उस वक्त दस साल के थे जब ये सब चीजें हुई थी दस ग्यारह साल के अब उसके काफी सालों बाद ठीक है ऑथर को क्या पता चला झरनों वगैरह के बारे में पता चला कैसकेट यहाँ हमने किस लिए यूज किया वर्ड कैसकेट से हम लिख रहे हैं यहाँ पे झरना ठीक है झरने है ना तो झरनों के बारे में पता चला उन्होंने वहां जाना था ठीक है अब क्या होता था चाहे वो वेडिंग वेडिंग मतलब देखो स्विमिंग और वेडिंग अलग अलग है स्विमिंग

और वेडिंग क्या हुआ पानी में या तो चलना उस पानी में फोर्सली ठीक है या फिर उसमें खेलना है ना मतलब बहुत प्रेशर से पानी आ रहा उसमें अपना पूरा फोर्स लगा देना इस तरीके को अपन कहते हैं वेडिंग तो चाहे टीटन रिवर हो चाहे बंपिंग रिवर हो या फिर उन्हें सिर्फ नहाना ही हो ठीक है लेक ऑफ गॉड रॉक्स हर जगह वो जो डर था जो टेरर था वो क्या कर लेता उन्हें सीज्ड जकड़ लेता था ठीक है और जो टेरर था वो वापस आ जाता था इन कनोज़ ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सामन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर ट्राउट फिशिंग ऑन द दशट्स एंड मेटालियस इन ओरेगन ठीक है अब कहीं भी चाहे कनोज़ कनोज़ होती हैं स्मॉल बोट्स नाउ छोटी-छोटी ठीक है boats, now, छोटी छोटी। अब चाहे वो मेन लेक में नाव चला रहे हो या फिर वो फिशिंग कर रहे हो किसकी लैंड लॉक सामन लैंडलॉक मतलब उस पूरे जो लैंड है जो भी एरिया है उसमें बहुत सारी वो मछलियाँ होना ठीक है सामन एक तरीके की मछली है ठीक है या फिर बास फिशिंग करना है न्यू हेम्पर बास भी एक तरीके की मछली है ट्राउट भी एक तरीके की मछली है ऑन द डेसर्ट एंड मेटालियस इन ऑरिगन The 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 haunting fear fear of the water followed him. The fear ruined his fishing trips, deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. वो fear जो था ना वो उसके लिए हर चीज खराब कर रहा था Ruin करना हर चीज खराब करना ठीक है उसकी फिशिंग ट्रिप्स खराब हो रही थी Deprived हिम ऑफ the जॉय ऑफ ठीक है deprived का मतलब वंचित ठीक है उसे वो मजा नहीं कर पा रहा था बोटिंग करने में भी और दूसरी चीजें करने में भी ठीक है तो ये सब हो रहा था उसके डर की वजह से ठीक है क्लियर हाउ डिड दी ऑथर ओवरकेम फियर ठीक है अब ऑथर ने जो है अपना फियर कैसे खत्म किया उस पर विजय कैसे पाई ही यूज एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम फियर बट इट हेल्ड फॉर्मली इन इट्स ग्रिप ठीक है अब उन्होंने हर कोशिश कर ली जो उनके बस में थी वो हर कोशिश कर ली फिर भी वो जो फ़ियर था उसने उन्हें मजबूती से जकड़ा हुआ था अपनी इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम विद रोप अटैच टू इट ठीक है अब उन्होंने एक अक्टूबर को फैसला किया निर्णय लिया कि तो मैं स्विमिंग सीखूंगा तो उन्होंने क्या किया एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया अपने लिए फिर क्या हुआ उसके बाद वो क्या करते थे स्विमिंग जाते थे ना तो वो पांच दिन स्विमिंग करते थे एक घंटे के लिए ठीक है पांच दिन स्विमिंग करते थे एक घंटे के लिए और वो कैसे होती थी कि जो इंस्ट्रक्टर था ना वो अपने अक्रॉस एक बेल्ट बांध लेता था और वो जो फिर एक रोप होती थी उससे और वो जो रोप होती थी वो कौन पकड़ता था पथर ताकि कुछ भी हो तो इंस्ट्रक्टर संभाल ले ठीक है the author held on to the end of the rope and they went back and forth across the pool. on each trip across the pool a bit of the panic seized the author. it took three months before the tension began to reduce. after that the instructor taught him to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. bit by bit he shed part of his panic that seized him when he, his head went under the water. ठीक है अब जो बचा हुआ हिस्सा होता था रोप का ठीक है एक तरफ तो इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट लगा रखा और जो उससे अटैच हिस्सा होता था रोप का वो कौन पकड़ता था ऑथर और, और वो क्या करते थे बैक फोर्थ, बैक एंड एंड फोर्थ फोर्थ मोशन मोशन होता आपका स्विमिंग है ना उसमें स्विमिंग करते थे ठीक है हर बार थोड़ा थोड़ा सा जो होता था डर वापस आता था उसे जकड़ लेता था ऑथर को ठीक है तीन मंथ्स लग गए तीन मंथ के बाद ठीक है थ्री मंथ्स के बाद थोड़ा सा जो तनाव था वो कम होने लगा ठीक है उसके बाद जब इंस्ट्रक्टर ने देखा कि हाँ ठीक है आप थोड़ा सा इसको तनाव टेंशन कम है तो उसने क्या किया के तुम्हें क्या करना है उसने क्या सिखाया के पहले तो तुम करोगे एक्जेल ठीक है कब जब तुम अंदर जा रहे हो पानी में ठीक है एक्जेल करना सांस छोड़ना पानी से बाहर सिर्फ अपनी नाक निकालो और इनहेल करो सांस लेना एक्ल इनहेल ठीक है ये चीज सिखाई और थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा थोड़ा जब टाइम होता गया बिट बाई बिट तो ऑथर को क्या हुआ वो जो पैनिक था जो टेंशन थी जो डर था वो धीरे धीरे हटने लगा शेड होने लगा झड़ने लगा हटने लगा इज दट क्लियर नेक्स्ट ही हेल्ड इम एट दाइड ऑफ द पूल एंड इम कि

कभी भी स्विमिंग सीखते ना तो ऐसा ही होता है आपको पहले हाथों के मोशन सिखाए जाएंगे और फिर पैरों के मोशन सिखाए जाते हैं। तो 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 वो सेम चीज़ थी पहले ऐसा होता था कि उसके लेग्स काम नहीं करें फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ उसका कंट्रोल आने लगा उसके लेग्स पे ठीक है ऐसे करके हर हिस्सा परफेक्ट करके पीस बाय पीस हर हिस्से पे काम करके उसको परफेक्ट करके उस इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर बना दिया को एक स्विमर बना दिया। पूल क्रॉल स्ट्रोक ठीक है उसके बाद अप्रैल आ गया था तो अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला कि अब तुम स्विमिंग करो इसमें गोते लगाओ डाइव करो गोते लगाओ पूल में ठीक है किस स्ट्रोक में क्रॉल स्ट्रोक क्रॉल स्ट्रोक जब आ, स्विमर्स जब रेसिंग करते हैं ना या अच्छे से स्विमिंग करते हैं तो वो जो उनका जो स्ट्रोक्स होते हैं वो चलते हैं क्रॉल स्ट्रोक्स ठीक है बस ये बोला एन ऑथर डिड इट और ऑथर ने वैसा ही किया नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट द ऑथर वॉज एंड ठीक है इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया था पूरा उसको परफेक्ट कर दिया था बट ऑथर के मन में अभी भी शंका थी ऑथर के मन में अभी भी पानी का डर था तो फिर उसने क्या किया वो देखते हैं ठीक है डगलस स्टिल फेल्ट टेरर डगलस कौन विलियम और डगलस ठीक है स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन ठीक है टेरर स्ट्रिकन का मतलब हुआ डर से घायल ठीक है उनके हिसाब से उनका घाव अभी भरा नहीं था उन्हें अभी भी डर लगता था पानी से वेन ही वॉज अलोन इन द पूल जब वो अकेले होते थे पूल में द रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सो ही वेंट टू लेक लेक वेंटवर्थ, इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉग आइलैंड एंड इ टू माइल्स अक्रॉस दी लेक ठीक है अब रेमिनेंट्स शेष या अवशेष ठीक है मतलब थोड़ा बहुत अभी भी डर था बचा हुआ था आ जाता था ठीक है बट वो क्या करते थे उसको रिब्यूक 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 करना डांट फटकार देना है ना उस डर को डांट देते थे ठीक है और जो है स्विमिंग करते थे एक और चक्कर लगाते थे ठीक है उसके बाद भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया वो लेक वेंटवर्थ गए कहा है न्यू हेमशर में और वहां भी उन्होंने डाइविंग करी गोते लगाए ऑफ अ डॉक डॉक किसे कहते हैं जो जहाज जहां खड़े होते हैं ना वो जगह होती है डॉक ठीक है ट्रिक्स आइलैंड के वहां और दो माइल्स उन्होंने स्विमिंग करी ठीक है इज दैट क्लियर नेक्स्ट ओनली वंस डिड रिटर्न और ये जो उन्होंने किया ना उसमें सिर्फ एक बार ही उनका डर वापस आया वेन ही वॉज इन दिडल ऑफ दी पुट इज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वॉटर दी ओल्ड फियर स्लाइटली रिटर्न ठीक है एक बार से वैसा हुआ कि थोड़ा सा उनका डर वापस आया कब जब वो पूल के सॉरी पूल नहीं जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच थे ठीक है जब वो लेक के बीचों बीच थे तब उनको थोड़ा सा डर वापस आया तो उन्होंने क्या किया पानी के अंदर अपना मुंह डाला और उन्हें क्या दिखा कुछ नहीं बॉटमलेस वाटर क्योंकि लेक में आपको नहीं पता सी में आपको नहीं पता कितनी गहराई है अंदर करेक्ट तो उन्होंने क्या देखा बॉटमलेस वाटर ठीक है तो थोड़ा सा उनका जो फियर था वो वापस आया बट ही लाव्ड एंड सैड वेल मिस्टर टेरर वॉट डू यू थिंक यू कैन डू हम कहते हैं ना किसी से

करने के बाद भी उनके माइंड में थोड़ी बहुत शंका थी डाउट शंका ठीक है तो उन्होंने क्या किया वो कहा गए मीट ग्लेशियर ग्लेशियर क्या होते हैं हीम नदी और ये सब चीजें होती है ना जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के और वहां से वो बर्फ नीचे आ रही हो फ्लो हो रही हो चाहे पानी हो तो वो चीज आपकी कहलाती है ग्लेशियर ठीक है उसमें भी उन्होंने गोते लगाए वहां के गर्म लेक जो थी वार्म लेक और स्वयं अक्रॉस टू तो दी अदर शोर एंड बैक एक तरफ से दूसरे किनारे और फिर उस किनारे से वापस बैक ठीक है उसके बाद दैट ही टेरर अब उन्होंने अपने पुराने डर पे विजय पा ली है कौनकर्ड किसी चीज़ पे विजय पा लेना किसी चीज को हरा देना ठीक है क्लियर ठीक है इसके वर्ड मीनिंग्स है कि इसमें वाई क्या था वाईएमसीए क्या था जो वाई एम सी पूल था दैट वॉज यंग Man's Yakima, एक प्लेस है इन वॉशिंगटन ठीक है डेंजरस, ठीक है waves, ऐसी वेव और ऐसी Drop, ऐसे एक कोई चीज ड्रॉप होना उसमें डिक्रीज आना वॉटर विंग्स वाटर विंग्स में आपको पहले ही फोटो से समझा चुकी हूँ दुबला पतला थिन सबड्यूड टू ओवरकम प्राइड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम अवर्जन किसी चीज को ना पसंद करना डिसलाइक सर्फ सर्फ करना ठीक है या फिर जो लहरें आती है ना जब आप किसी समुद्र में जाते हो तो जो लहरें आती हैं ठीक है नॉग्ड मी डाउन ठीक है नॉक मी डाउन हिम डाउन नीचे गिरा देना रिवाइव ब्रॉड बैक टू माइंड पब्जी पब्जी में रिवाइव देते हैं ना वही चीज एपिंग किसी चीज को कॉपी करना टू फील एट ईज रिलैक्सड फील करना कंफर्टेबल फील करना ब्रूजर ठीक है एक ऐसा बंदा जो टफ है और कैसा है गुस्से वाला है गुस्सेल है जिसको बस या तो फाइट करा लो या आर्ग्यूमेंट्स करा लो ऐसा बंदा ब्रूजर स्पेसिमेन कोई सैंपल कोई एग्जाम्पल ठीक है स्किनी वापस वही थिन पर्सन होता है डग्ड किसी को पानी में डुबाना पुष्प करना डुबाना ठीक है ये वर्ड मीनिंग्स है इसके बिकॉज आपको लिखना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा मैं कितना भी हिंदी में समझा दूँ, ठीक है नेक्स्ट टॉस्ड फेकना विट्स समझ इंटेलिजेंस इकट्ठा करना स्प्रिंग स्प्रिंग यहाँ पे किस लिए यूज किया था उसने जंप के लिए ठीक है बॉब भी टिंज कल टच ऑफ कलर हम कहते हैं ना अटिंज ऑफ येलो हल्का सा येलो कलर का टच ठीक है येल चिल्लाना सफोकेटिंग दम घुटना फ्लेल्ड वेव एंड और दाव चौकड सांस ना ले पाना रिजिड हार्ड टफ एक्सपेंडिंग ठीक है एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग का मतलब निकालना किसी चीज को एक्सपेंड करना ठीक है एक दर्द होना पेन थ्रोब्ड ऐसी बीट्स वाला पेन होता है ना डिजी चक्कर आना फ्रैश किसी चीज को बहुत फोर्स के साथ हिट करना ठीक है स्टार्क बहुत ज्यादा सीवियर है ना सीज्ड जकड़ ग्रिप श्रीकिंग चिल्लाना स्क्रीमिंग पैरालाइज लकवा मार जाना इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट पाउंडिंग पाउंडिंग भी वही होता है जो बीटिंग होती ना, repeated, between, teased, हतम, end, oblivion, oblivion है ना रिपीटेड वो इन द मिड ऑफ किसी चीज के बीच में बिटवीन सीज्ड खत्म बंद एंड ऑब्लिवियन ऑब्लिवियन मैंने बताया ऐसी स्टेट जिसमें आपको पता ही नहीं आपके आस पास क्या हो रहा है आप बिल्कुल ब्लैंक हो कर्टन ऑफ लाइफ फेल लाइफ केम टू एन एंड लाइफ आ गई है उसके अंत पे कैसकेट्स झरने वाटरफॉल हैंडीकेप एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो कुछ सफलता नहीं मिल रही है बहुत मुश्किल हो रही है कनो कनोज छोटी छोटी बोट्स रूइंड रूएंडस्ट्रॉइड खराब करना ख़त्म करना डिप्राइव वंचित कोई चीज़ ले लेना छीन लेना बेस्टिजेज ट्रेसेज ठीक है Is that clear to you all? चलो इसके वर्ड मीनिंग तो हो गए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जल्दी से What is the misadventure that William Douglas speaks about? वो क्या दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस बात कर रहे हैं हमें बता रहे हैं विलियम ओ डगलसिमिंग एट दी वाई एम सी ए pool. वन डे an एट ईयर ओल्ड sorry an 18 year old big boy picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the pool he hit the water surface in a sitting position he swallowed water and went at once to the bottom he nearly died in this misadventure to is misadventure mein kya hua कि जो है हमारे जो ऑथर है विलियम ओ डगलस वो स्विमिंग सीखने जा रहे होते हैं एक 18 साल का अच्छा खासा रफ टफ सा बंदा आता है वो क्या करता है उनको पानी में फेंक देता है पानी में फेंकने की वजह से क्या होता है वो डूबने लग जाते हैं उस पानी में ठीक है ऊपर नहीं आ पाते हैं और इस चीज के अंदर क्या होता है वो पानी भी बहुत सारा निगल लेते हैं जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और इतना ज्यादा गंदा होता है उनके साथ इतनी गंदी दुर्घटना होती है कि बस ही नियरली डाइड बस ऐसा कि बस अब लाइफ का एंड आ गया है क्लियर वॉट वर दी सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस

Like तो डर जाना बट इतना नहीं डरे थे कि वो अपने होश खो दे ठीक है अपनी इंटेलिजेंस से बाहर आ जाए इतना नहीं खोए थे ठीक है तो उन्होंने जब वो पानी में जा रहे थे अंदर डूब रहे थे पूल में उन्होंने एक प्लान बनाया उनका प्लान क्या था कि जैसे ही मेरे पाँव जो है नीचे फ्लोर पे टच करेंगे मैं वैसे ही ऐसे जंप करूंगा कि बस कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा सतह पे और उसपे बिल्कुल ऐसे फ्लैट होके लेट जाऊंगा और बस तैर के पुल के साइड में चले जाऊंगा तो ये उनका प्लान था क्लियर नेक्स्ट हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम ये जो उनके साथ ये दुर्घटना हुई ये जो एक्सपीरियंस उनका था उससे उनपे क्या अफेक्ट पड़ा

लड़खड़ा के चल रहे थे उस दिन ना वो सो पाए ना वो खा पाए ठीक है एक फियर था जो उन्हें हमेशा हॉन्ट कर रहा था हमेशा उन्हें हर जगह फॉलो कर रहा था ठीक है कुछ थोड़ा सा भी तनाव होता कुछ थोड़ी सी भी टेंशन होता हो जाती तो वो परेशान होने लगते थे घबराहट होने लगती थी उन्हें ठीक है घबराहट कैसी कि ऐसा बस वॉमिट जैसा ऐसा होने लग जाता था डग मंगाने लग जाते थे ठीक है उसके बाद वो दोबारा कभी पूल गए ही नहीं ठीक है उन्होंने कभी दोबारा पूल देखा ही नहीं और उन्हें पानी से क्या हो गया इसको हम क्या कहते हैं फोबिया ठीक है उन्हें वॉटर से फोबिया हो गया ठीक है किसी चीज का डर हो जाता है तो हम वर्ड यूज करते हैं फोबिया ठीक है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर ठीक है डगलस ने क्यों सोच लिया था कि मुझे बस अब इस डर से बाहर निकलना ही है तो किसी भी तरीके से निकलना है His fear of water ruined his fishing trips. It deprived him of the joy of canoeing, boating, boating and swimming. Douglas used every way he knew to overcome this fear. It had held him firmly in its grip. He determined to get an instructor and learn swimming to get over this fear of water. अब उनका डर इतना बढ़ गया था कि वो क्या हो रहा था वो डर उनके fishing trips, उनका सब मजा सब चीजें खराब कर रहा था, किरकिरा कर रहा था। ठीक है कहीं भी जाते थे तो उनका वो डर जो है उनको जकड़ लेता था तो उन्होंने सोचा कि इस डर को तो भाई भगाना ही पड़ेगा और वो कैसे होगा वो ऐसे होगा कि मेरे को स्विमिंग सीखनी पड़ेगी मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी तो वो एक इंस्ट्रक्टर है लाते हैं और उसे स्विमिंग सीखते हैं ताकि वो अपना डर हटा सकें भगा सके ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द ठीक है इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या किया जिसकी वजह से एक परफेक्ट स्विमर आया बाहर निकल के वो देखते हैं इंस्ट्रक्टर बिल्ट स्विमर आउट ऑफ पीस बाय पीस फॉर थ्री मंथ्स ही पुल पैनिकीज दाइम द इंस्ट्रक्टर टॉट डगल टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल

ठीक है ऐसे करके उन्होंने एक परफेक्ट स्विमर बिल्ड किया आउट ऑफ उसमें उन्होंने क्या क्या किया सबसे पहली चीज उन्होंने करी कि वो अपने अराउंड एक बेल्ट बांधते थे उससे एक रोप अटैच थी जो कौन पकड़ता था हमारे ऑथर डगलस वो रोप पकड़ते थे और फिर वो लोग बैक एंड फोर्थ मोशन में स्विमिंग करते थे ये सब चला उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें क्या सिखाया इनहेल करो एक्सल करो कब करो एक्सेल कब करना है जब पानी के अंदर जाओ इनहेल कब करना है जब थोड़ी सी से, से नोज निकाल के इनहेल करो मतलब क्या कि जब आपको लगे कि आप में ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपसे सांस नहीं ली जा रही तो अपनी सिर्फ ऐसे नोज निकालो और इनहेल करो ठीक है ये करा उसके बाद क्या सिखाया उन्होंने लेग्स पे काम किया उसके क्योंकि उन्हें पता था कि ये नहीं कंट्रोल कर पा रहा है अपनी बॉडी पे तो काफी दिन तो ऐसा रहा कि नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था फिर थोड़े टाइम बाद कंट्रोल आ गया था ऑथर का ठीक है उसके बाद क्या हुआ जब ये हो गया सब कुछ हो गया तब इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला कि अब तुम इस पूरे पूल को जो है है स्विम करो इसमें ठीक और ने वैसा ही किया क्लियर ऐसे एक उस इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को परफेक्ट किया क्लियर हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड है ऑथर ने उसके बाद भी कैसे ये रखा क्योंकि उनको क्या था थोड़ी शंका थी ये सब होने के बाद भी उनके दिमाग में उनके मन में शंका थी उन्हें कभी कभी डर लगने लगता था तो उन्होंने सोचा कि नहीं अभी आई एम नॉट फिनिश्ड अभी डर नहीं गया है मुझे और करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो ही मैं उस डर को हरा पाऊंगा कॉन कर पाऊंगा हरा पाऊंगा उस पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा डगलस स्टिल फेल्ट terror stricken when he was alone in the pool the remnants of the old terror would return but he would rebuke it and go for another length of the pool he was still not satisfied so he went to lake wentworth in new hampshire dived off a dock at tricks island and swam 2 miles across the lake lake ठीक है उसके बाद भी Douglas को ऐसा लगता था कि वो जो डर है ना उसका जो घाव है ना अभी तक भरा नहीं है तो वो क्या उन्होंने क्या किया उसके जो अवशेष थे ना उस डर के वो उन्हें तो भी आते थे जब वो पूल के आसपास अकेले होते थे तो उन्होंने क्या किया के कहां गए वो लेक जो कहां है न्यू हेमशर में वहां गए वहां पे उन्होंने दो माइल स्विमिंग करी ठीक है कभी कभी डर आता था तो वो क्या करते थे उस डर को डांट फटकार के भगा देते थे उसके बाद भी ही हैड हिज रेसिडुअल डाउट्स सो ही वेंट टू मीट ग्लेशियर डाइव इन टू वॉम लेकिन भी उनको थोड़ा शंका थी बची गुची शंका थी तो वो कहाँ गए मिट ग्लेशियर गए मिट ग्लेशियर गए वहां की वॉर्म लेक में जो भी थी उसमें उन्होंने स्विमिंग करी स्विमिंग कैसे करी गए वापस आए मतलब ऐसे उन्होंने एक किनारे से दूसरे किनारे स्विमिंग करी उसके बाद उन्हें यकीन हुआ कि हाँ अब मैं इस डर को हरा चुका हूँ

Douglas gives अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिस फीलिंग एंड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ from गेटिंग drowned. अब देखो ड डगलस ने जो है ना हर चीज़ बताई हर चीज़ बताई कि मेरे साथ क्या हुआ एक बार गया डूबा ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई अप्लाई भी करी फिर ये हुआ दूसरी बार गया डूबा फिर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश की तो मेरी बॉडी पैरलाइज होने लग गई थी फिर तो तीसरी बार तो बस मैंने छोड़ दिया रिलैक्स अब मैंने गिवअप कर दिया तो उन्होंने कितना डिटेल में बताया ना हमें कि हम पढ़ पाए हम समझ पाए ठीक है He uses literally literary devices to make the description graphic and vivid. For example, those nine feet were more like उन्होंने सिर्फ हमें बोल के बता दिया कि उनके लिए वो जो नौ फीट थे वो कैसे लग रहे थे उन्हें नब्बे के बराबर है ना माई लंग्स व रेडी टू बर्स्ट ऐसा लग रहा था इतना दर्द हो रहा था मेरे फेफड़ों में लंग्स में कि बस अब ये विस्फोट कर जाएंगे आई केम अप स्लोली आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग बट वाटर मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और मैंने बस अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय पानी के आई ग्रू पैनिकली आई was सफोकेटिंग आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट ठीक है मैं पैनिक करने लगा मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगा टेंशन होने लगी ठीक है मैं चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई साउंड नहीं आया बिकॉज आई वॉज सफोकेटिंग दम घुट रहा था हाउ डिड डगलस ओवरकम

जो इंस्ट्रक्टर था वो उनको रोप से पकड़ के रखता था अपने बेल्ट के थ्रू और वो ऐसे स्विमिंग करते थे ठीक है कभी कभी क्या होता था डर वापस आता था और उनके लेग्स जो हैं वो जम जाते थे ठीक है ना तो फिर उसने स्विमर ने उनके लेग्स पे भी वर्क करवाया था ठीक है तो द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्जेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रेस्ट नोज इंस्ट्रक्टर उन्होंने क्या सिखाया कि तुम्हें कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी सांस रुक रही है तुम सांस नहीं ले पा रहे हो तो पानी से बाहर अपनी नोज निकालो और एयर इनहेल करो अंदर जाओ एक्सहेल ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने उनके कंटिन्यूड स्विमिंग से स्विमिंग सीखी स्टिल ऑल नॉट लेफ्ट फिर भी कुछ कुछ अवशेष टेरर के डर के बचे हुए थे ही स्वयं टू माइल्स अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड द होल लेंथ टू शोर एंड बैक ऑफ वार्म लेक बाद भी उनको रेसिडुअल डाउट था तो फिर उन्होंने वॉम लेक में जाके स्विमिंग करी और फिर ऐसे करके उन्होंने अपना फियर खत्म किया उससे उभरे क्लियर वाई डज डगल एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्ड हुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉनकरिंग ऑफ इट वॉट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ठीक है द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वॉज अ हैंडीकेप डगलस सफर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ठीक है अब ये जो एक्सपीरियंस है ना डर का वो कैसा था एक हैंडीकेप जैसा हैंडीकेप अभी बताई थी मैंने ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसमें सक्सेस इज टू मच डिफिकल्ट ठीक है तो ऐसा एक इंसिडेंट है ठीक है जो उन्होंने अपने चाइल्ड में देखा हिज कॉन्करिंग ऑफ इट शोज हिज डिटर्मिनेशन विल पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ठीक है और जो ये उभरे है ना इस डर से जिस तरीके से वो क्या शो करता है उनकी लगन उनकी विल पावर है ना और उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई है अगर सोचो उनको वो डर रह जाता तो वो हो सकता हर चीजों से डरने लगते थोड़े से डरे हुए से रहते बट नहीं उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ अपने डर पे काबू पाया ठीक है तो उनकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आया पर्सनैलिटी में चेंज कि भाई डिटर्मिनेशन से हर काम हो सकता है कोई चीज लाइफ में डिफिकल्ट नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हो डिटर्मिनेशन के साथ उस पर काम कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड क्लियर ही ड्रू अ लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस

भयानक चीज क्या है वो मरने का डर खुद मरना नहीं ठीक है वो बहुत शांति वाली चीज है ही हेट एक्सपीरियंस बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस उन्होंने दोनों चीजें फील करी एक तो उन्होंने मरना भी फील कर लिया उनके हिसाब से ही वॉज डेड है ना उनके हिसाब से कर्टन ऑफ लाइफ फेल उन्होंने वो चीज भी फील करी है और उसके साथ उन्होंने क्या फील करा है द दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस और उस मरने का जो खौफ वो डर जो प्रोड्यूस करता है ना वो सो द विल टू लिव समहा ग्रू इन इंटेंसिटी और इसीलिए जो होती है ना आपकी इच्छा जीने की इच्छा वो बढ़ती है ही फेल्ट रिलीज free to walk the mountain paths climb the peaks and brush aside fear ठीक है अब वो बहुत हल्का फील करते थे बिल्कुल रिलीज़ फील करते थे अब चाहे कोई माउंटेन हो ठीक है या किसी पर्वत की चोटी पे चढ़ना हो ठीक है और क्या एंड ब्रश असाइड द फियर फियर को हटा दो ठीक है क्लियर है क्वेश्चन आंसर्स इसी के साथ आपका कुछ होता है देन कमेंट योर क्वेश्चन ठीक है तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ मिलते हैं नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ बाय बाय डे।